चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से मुलाकात में उनके शानदार करियर और मुल्क और कौम के लिए खिदमात को सराहा है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी के शानदार करियर और इसके दौरान बहरी दिफा और मुल्क और कौम की खिदमात को सराहा। 2017 में एडमिरल मोहम्मद जकाउल्ला की सबकदोशी के बाद जफर महमूद अब्बासी को पाक बहरिया की कमान दी गई थी, जिनकी मुद्दत मुलाजमत 7 अक्टूबर 2020 को खत्म हो रही है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने 1981 में नेवल ऑपरेशन ब्रांच में कमीशन हासिल किया। इन्हें कमान एंड स्टाफ के मुख्तलिफ ओहदों का वसी तजर्बा है। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी कसीर उल मुल्क टास्क फोर्स 150 की कमान भी कर चुके हैं और इन्हें खिदमात के एतराफ में हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा जा चुका है।